बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान, जिनकी पिछली 4 सालों में एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है दोस्तों। रेस्ट मोड पर शाहरुख खान गए हुए थे, लेकिन आपको 4 सालों में कई फिल्मों में वे केमियो के रूप में नजर आए और विमल के एड में नजर आ रहे थे। बोलो जुबा केसरी। तो दोस्तों, अब 2023 में शाहरुख खान फुल फॉर्म में वापस कमबैक करने जा रहे हैं। साल के अंदर 3 फिल्में रिलीज होगी, पठान, जवान और डंकी। दोस्तों, पठान और डंकी की बात इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो में बात करेंगे तो केवल जवान की। तो दोस्तों, जवान के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो वीडियो में बनी रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए और अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 10-15 दिन या 20 दिन पहले जवान फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ था। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, एकदम से जवान फिल्म का टीजर प्रकट हो गया, एकदम लोग अचंभे हो गए। तो दोस्तों, इसका टीजर आया था भाई साहब, टीजर आप देखो। गजब का आड़ फाड़ एकदम, आपको लगेगा कि भाई साहब शाहरुख खान ने कमबैक किया है तो गजब का किया है। दोस्तों, शाहरुख खान जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं और इसमें जो आपको टीजर में बीजीएम देखने को मिलेगा अनिरुद्ध का, कमाल का बीजीएम है भाई साहब। टीजर इतना गजब का है तो देख लो भाई साहब ट्रेलर कितना गजब का होगा, और अगर ट्रेलर गजब का आया तो फिल्म कितनी आड़ फाड़ होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली, जिन्होंने बिजिल मसल और थेरी जैसी फिल्में सुपर हिट दी है। दोस्तों, गजब की फिल्में बनाते हैं ये, इनका जो डायरेक्शन लेवल है भाई साहब हाई लेवल का, नेक्स्ट लेवल का है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक जो कंपोज करेंगे, उनका नाम है अनिरुद्ध भाई। तो दोस्तों, अनिरुद्ध भाई का आप एक बार बीजीएम सुन लेना, म्यूजिक सुन लेना, सॉन्ग सुन लेना, मतलब कि यार भाई साहब आड़ फाड़। आप YouTube पर, Google पर जाके सर्च करना अनिरुद्ध बीजम, अनिरुद्ध अनिरुद्ध के सॉन्ग। दोस्तों, मास्टर, विक्रम, कैथी जैसी फिल्मों में इन्होंने जो म्यूजिक दिया है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल है। तो इस फिल्म में ये म्यूजिक देंगे। फिल्म में शाहरुख के साथ में आपको सानिया मल्होत्रा, नयनतारा और सुनील ग्रोवर जैसे मशहूर कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सुनने में आया है गणित के सूत्रों के हिसाब से इस फिल्म का जो विलेन का किरदार निभाएगा ना, वो साउथ का सुपर स्टार है, जिसका नाम है विजय सेतुपति। दोस्तों, अगर विजय सेतुपति को आप नहीं जानते हो तो भाई साहब जान लो, इनकी फिल्में एक बार देखो। अभी हाल ही में विक्रम में क्या गजब का आड़फाड़ रोल किया था। मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि ये विलन के रूप में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस बात पर मैं मुहर नहीं लगा सकता, लेकिन सुनने में आया है कि ये विलन का रोल इस फिल्म में निभाएंगे। तो दोस्तों, फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वह शाहरुख खान की पत्नी है गौरी खान, रेड चिल्ली के बैनर तले ये फिल्म बनेगी। तो अब फिल्म की क्या मेजर अपडेट आई है जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो की अभी लेटेस्ट जो अपडेट सामने आई है, शाहरुख खान इस फिल्म की शूटिंग में भी बहुत व्यस्त चल रहे हैं और अब इस फिल्म का शूटिंग अगले हफ्ते में एक ऐसा होने वाला है, एक इंटेंस एक्शन सीक्वेंस होने वाला है 200 से 250 महिलाओं के साथ में। तो दोस्तों, शाहरुख खान इंटेंस एक्शन शूट करेंगे 200 से 250 महिलाओं के साथ में। तो दोस्तों, ये ग्रैंड लेवल का एक्शन सीन्स होगा और इसके लिए मतलब मुंबई की पुलिस काफ़ी लगा चुके हैं इस शूटिंग के लिए, और ये शूटिंग 7 दिन तक चलेगी चेन्नई के अंदर। तो दोस्तों, इतना गजब का माहौल खड़ा कर दिया इन्होंने इस फिल्म की शूटिंग के लिए, और इतना ग्रैंड लेवल पे इस फिल्म की शूटिंग हो रही है, 250 महिलाओं के साथ एक्शन सीन्स होगा। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा लो कि ये सीन कैसा होगा थिएटर में। भाई साहब, फिल्म फाड़ देगी। एटली जैसे डायरेक्टर जिस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उस फिल्म के बारे में बिना सोचे समझे आप फिल्म देख सकते हो थिएटर में जाके। तो दोस्तों, मतलब कि ये फिल्म ये देख लो कि आड़ फाड़ फिल्म आएगी, गजब की फिल्म आएगी। शाहरुख खान अगर करेंगे तो भाई साहब तबाही मचाएंगे, बम फाड़ कम बैक करेंगे इस फिल्म के साथ। हालांकि पठान फिल्म आएगी, लेकिन पठान से ज़्यादा इस फिल्म का क्रेज रहेगा, ये आप लिख लो, क्योंकि इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वह साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं।
तो दोस्तों यही इस फिल्म की खास बात है। 2 जून 2023 में 5 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जो शाहरुख खान की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। तो भाई साहब शाहरुख खान अब मतलब जो भी काम कर रहे हैं हाई लेवल का कर रहे हैं, और अब जनता में वापस पुरानी सुर्खियाँ जो बटोरी थी वापस बटोरेंगे। ऐसी अपडेट और फिल्मों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फिल्मों का मैं शौक़ रखता हूँ, देखने का शौक़ रखता हूँ, और दिखाने का भी शौक़ रखता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।